हेलो व्यूअर्स, वेलकम माय चैनल। तो मैंने अब तक अपने ब्लाउज की लिस्ट में मैंने 30, 32, 34, 36 का ब्लाउजिंग की कटिंग दिखाई है। आज हम 38 का दिखाने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरा वो सब वीडियो नहीं देखा है, वो मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारे लिंक्स ऐड दे दिया है। ऊपर भी मैं लिंक देते जाऊंगी एक के बाद एक। तो अगर आप लोगों को देखना है तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दिया है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा भी मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल पे लहंगा, पेटीकोट, ब्लाउज, सलवार कमीज, गाउन, एवरीथिंग है। पिलो कवर से लेकर शुरू करके एवरीथिंग। सो अगर आप लोगों ने अभी तक वो सब वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम 38 साइज की ब्रैकेट ब्लाउज की कटिंग। तो हम यहाँ पे लेंथ जो है ले रहे हैं, 38 कट ब्लाउज के लिए हम लेंथ ले रहे हैं 14। हम 14 लेंथ ले रहे हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो कि सिलाई पे जाएगा। चलिए अब हम मार्जिन टर्न लेते हैं। तो हमने लेंथ ले लिया है, तो जब भी ब्लाउज ड्रॉ करें तो लेंथ से सबसे पहले शुरू करें। तो लेंथ देख सकते हैं ड्रॉ कर लिया है हमने, 1 इंच लेंथ एक्स्ट्रा लिया है। तो 38 साइज के लिए लेंथ जो है एक्चुअली 14 ही रखा जाता है। तो अगर आप अगर किसी शॉर्ट इंसान का ब्रा बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप लेंथ लीजिए, या तो फिर जिनको बना के दे रहे हैं उनको कितना चाहिए उस हिसाब से भी ले सकते हैं। मैंने एक मिनिमम दे दिया है लेंथ की साइज। तो अब चलिए इसमें किसी का हाइट अगर शॉर्ट या हाई है तो उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ ले लिया है, अब हम यहाँ से पुट ले लेंगे। तो हम पुट रख रहे हैं 5.5, और उस हिसाब से उमड़ी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो जितना भी हमें पुट लेना है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा उंगली की साइज। तो ये हो गया, हमने 6 ले लिया है। तो हमने उंगली भी ड्रॉ कर लिया है, अब हम नेक भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आप अच्छे से जान लीजिए, अगर आप जब आप कभी ब्राकेट ब्लाउज ड्रॉ करें तो नेक जो है आपको फ्रंट साइड के ड्रॉ करना है, बैक साइड नेक आप बाद में ड्रॉ कर लीजिएगा कपड़े के ऊपर। तो आपको फ्रंट साइड नेक ड्रॉ करना पड़ेगा इसीलिए क्योंकि आपका जो ये जो ब्राकेट ब्लाउज का जो पार्ट होता है जिसको हम ड्रॉ करें वो फर्स्ट पार्ट है। तो जबकि हम फर्स्ट पार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं, फ्रंट साइड को ड्रॉ कर रहे हैं, तो नेक भी फ्रंट साइड के ही रखना पड़ेगा। तो हम नेक रख रहे हैं 2.5, और यहाँ पे हम नेक रख रहे हैं 4.5। आप अपने हिसाब से नेक रख सकते हैं जैसा चाहिए आपको। हो गया, हमने नेक ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे एक राउंड सा शेप दे देंगे, आप अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। अब हमें चेस्ट के साइड को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चेस्ट हमारा आ रहा है 38, हम उस हिसाब से ले लेंगे। तो नेक हम ले लेंगे 9.5, और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, सॉरी हम 1 इंच नहीं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो उस हिसाब से हम 11 ले लिया है। तो हमें 9.5 इस तरह से आया है क्योंकि हमारे जो ब्रा कट के
ब्लाउज है वो 38 साइज का है, 38 को हमने 4 से डिवाइड किया है तो 9.5 आ गया है, और हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा भी ले लिया है तो उस हिसाब से आ गया 11। चलिए मार्जिन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये 9.5 और यहाँ पे आ गया 11। ठीक है, अब हम यहाँ पे उंगली भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो जहाँ पे उंगली ख़त्म होती है वहीं से चेस्ट का साइज शुरू होता है। 1 इंच ले लिया है यहाँ पे, राउंड सा शेप दे देंगे यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, ये बैक साइड के लिए हो गया और ये हो गया फ्रंट साइड के लिए, तो दोनों हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, कमर के साइड को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कमर है 34, तो 34 को हमने 4 से डिवाइड किया है तो यहाँ पे हमारे आ गए हैं 8.5। यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं तो उस हिसाब से हो गया है 10। तो चलिए मार्जिन लगा लेते हैं। तो हमने 8.5 ले लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो 10 हो गया है। तो हमने ये कमर को भी 4 से डिवाइड किया था जितना हमारा आ रहा है, जैसे कि हमारे कमर यहाँ पे आ रहा है 34, तो उसका हमने 4 से डिवाइड किया। उसके बाद हमने इसके साथ 1.5 इंच एक्स्ट्रा ज्वाइन किया है। अब हम चेस्ट से लेकर कमर तक ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, ले लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कटोरी ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें जो करना होगा, यहाँ पे हमें इस तरह से शोल्डर की साइड पे इस तरह से एक मार्जिन लगा लेना होगा। आप 1/2 इंच भी कर सकते हैं, दे दिया है। अब हमें यहाँ पे जो ड्रॉ करना होगा वो ये है, हमें यहाँ से सबसे पहले 3 इंच पे एक मार्जिन लगा लेना होगा। ले लिया है। दूसरे साइड से ऑपोजिट साइड से भी हमें 3 इंच पे एक मार्जिन लगा लेना होगा। ज्वाइन कर देंगे इसको भी। हो गया, ज्वाइन कर दिया है। अब हमें यहाँ पे, जबकि ये 38 साइज का हो रहा है इसीलिए हमें यहाँ पे 5.5 रख रहे हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा हेल्दी है तो आप 6 रख सकते हैं, हम यहाँ पे 5.5 ही रख रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ से 1/2 इंच ऊपर एक मार्जिन लगा लेंगे और यहाँ से एक राउंड सा शेप लगा लेंगे। और 5.5 का भी हम 1/2 ले लेंगे, 2.5 यहाँ पे। इसके बाद अब हमें यहाँ पे नेक के साइड से यहाँ से 1 इंच ऊपर पर एक मार्जिन लगा लेना होगा। यहाँ से 1.5 इंच हम ले लेंगे। अब हम हाथों से यहाँ पे एक राउंड सा शेप दे देंगे।
इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ से 3 इंच पे हमें एक मार्जिन लगा लेना होगा, यहाँ पे 3 इंच पर एक मार्जिन लगा लेना होगा, और दोनों साइड पे हम जितना भी लेंगे उससे 1/2 इंच कम ले लेंगे, और यहाँ पे एक मार्जिन लगा लेंगे, सॉरी हमें इस साइड पे मार्जिन लगाना था, ये वाला मार्जिन है, इसके बाद हमें यहाँ पे एक राउंड सा शेप दे देना होगा, तो ये जो है टोटल हो गया है। अब हमें इस पर और कुछ नहीं करना, जो भी है हो गया है। तो मैं यहाँ पे चेस्ट के साइज जो है वो मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ, जो भी चेस्ट आ रहा है उसे हमें 4 से डिवाइड करना होगा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना होगा, और कमर के साइड पे भी हमें सेमी करना है, और यहाँ पे 1 इंच यहाँ से 1.5 इंच आपको बैक साइड या जो ये जो मार्जिन है यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है, फ्रंट साइड से नहीं, यहाँ से 1.5 इंच ले लेना होगा, और नीचे की तरफ से आपको 5.5 ले लेना होगा, आप चाहे तो 6 भी ले सकते हैं, 38 के लिए 6 भी रखा जाता है, हम यहाँ पे 5.5 ही रख रहे हैं। तो ये हो गया, अब हम इसको आपको टोटल दिखाते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे 38 साइज का जो है ब्रा कट ब्लाउज को जो है हमने यहाँ से ठीक से कटिंग कर लिया है, सॉरी ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे ये वाला जो मार्जिन है वो रॉन्ग है, गलती से पड़ गया है, ये पे यहाँ पे होगा 4.5 का जो है आपको 1/2 लेना है, और 1/2 पे यहाँ पे एक मार्जिन लगा लेना होगा इस तरह से लंबा सा। तो ठीक है, अब चलिए इसको हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. तो ये हो गया हमारे 38 साइज ब्रा कट ब्लाउज, और यहाँ पे अब हमें जो करना होगा इन दो पार्ट्स को, इन सारे पार्ट्स को कटिंग कर लेना होगा, इसे इस पार्ट कहते हैं, ठीक है, ये कमर की साइड है, ये दोनों कटोरी की साइड है, ये सारे जो है टोटल कटिंग कर लेना होगा। कटिंग करने के बाद इन दो पार्ट्स पे एक अलग से कटिंग होते, उसकी लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, उस वीडियो पे मैंने दिखाया कि इन दोनों पार्ट्स को किस तरह से कटिंग करके अलग करके फिर उसको अलग से मेजरमेंट करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे इसको दिखाया नहीं इसलिए, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए हम इतना सही दिखा रहे हैं। अगर आपको वो देखना है तो मैंने ऊपर लिंक जो दे दिया है या वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मैंने दे दिया है ब्रा कटोरी कटिंग नाम से, वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हैं, रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं कि हमने ये दो पार्ट जो है वो कैसे हमने कटिंग किया है, वहाँ पे जाकर भी हम देख सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यही तक रहा है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मैं इस तरह से मैं अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगी, यहाँ पे मैंने दिखाया 38 साइज़ का ब्रा कट ब्लाउज, मैंने अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगी कि 40 साइज़ का ब्रा कट ब्लाउज। तो अगर आप लोगों को वो सारे वीडियोज देखना है तो आपको हमारे साथ डेफिनेटली रहना पड़ेगा। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि कितना हेल्पफुल रहा है, और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, ये जो भी सीखना चाहता है 38 साइज का ब्रा कट ब्लाउज उन्हें आप शेयर कर दीजिएगा, तो सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अब तक हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।